स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। नक्सली हमले में घायल जवानों से मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर के पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी अगुवाई की। गृह मंत्री रायपुर के अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को जगदलपुर में श्रद्धांजलि दी। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा आईबी, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के अलावा अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। नक्सलियों के इस कायराना हरकत के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट मोड में आ गया है और नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश जवानों का बलिदान याद रखेगा और यह व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में आ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 से 6 सालों में हम अंदर तक अपने कैंप को ले गए थे, इससे नक्सलियों में भय का माहौल है और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आदिवासी इलाके में विकास कार्य को तेज करना और नक्सलियों के तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर माओवादी मुठभेड़ में अब तक 22 जवानों के शहीद होने की खबर है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर 22 जवानों के शहीद होने की जानकारी है, जबकि 31 जवान घायल हुए हैं, जिनका बीजापुर और रायपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि बीजापुर के तरम क्षेत्र के सिलगेर के जंगल में जोनागुड़ा के पास सीआरपीएफ की कोबरा, बस्तर बालचिन, डीआरजी और एसटीएफ के जवान पिछले 2 दिनों से ऑपरेशन प्रहार के तहत निकले हुए थे। इसी बीच पीपुल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी प्लाटून 1 की यूनिट के 400 से अधिक माओवादियों ने हमला कर दिया और इस यूनिट का नेतृत्व झीरम हमले का मास्टरमाइंड हिडिंबा कर रहा था। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के दौरान हुई जवाबी कार्यवाही में जवानों द्वारा 25 से 30 नक्सलियों को ढेर किए जाने की जानकारी है, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हैं। इस हमले में 24 जवान शहीद हुए हैं और 31 घायल हैं। वहीं एक जवान लापता है। वहीं इस हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की, जिससे कि ताजा हालात समीक्षा के साथ आगामी रणनीति पर भी विचार किया गया है। बैठक में आईबी के निदेशक, गृह सचिव, सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से इस मुद्दे पर बातचीत की और केंद्र सरकार की तरफ से हर स्तर पर राज्य सरकार को मदद देने का भरोसा दिलाया। फिलहाल अमित शाह और भूपेश बघेल दोनों असम में अपनी अपनी पार्टियों का चुनाव प्रचार बीच में छोड़कर वापस लौट आए हैं। बताया गया है कि शुक्रवार की रात बीजापुर और सुकमा जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बालचिन, डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था, जिसमें बीजापुर जिले के तर्रेम, उसूर, सुकमा जिले के मिनपा और नरसापुरम से लगभग 2000 जवान शामिल थे। शनिवार को बीजापुर के तरम इलाके में जोनागुड़ा पहाड़ियों के पास सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम के साथ नक्सलियों की 4 घंटे मुठभेड़ चली। वहीं नक्सलियों ने हमले के बाद शहीद जवानों के हथियार और जूते भी लूट लिए। उधर बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर अब उनके गाँव पहुंचने लगे हैं। बीजापुर के पास आवापल्ली गाँव में सम्य मारवी के नाम से एक शहीद जवान का पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो पूरा गाँव शोक की लहर में फैला हुआ था। बस्तर के बीजापुर में इस साल का यह सबसे बड़ा नक्सली हमला था और अब इस हमले के बाद नक्सल समस्या से निपटने की बहस फिर नए सिरे से शुरू हो गई है। उधर इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है। वहीं एक जवान शनिवार को मुठभेड़ के बाद से ही लापता है। उस मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड के 8, कोबरा बालचिन के 9 और एसटीएफ के 6 और बस्तर बालचिन का 1 जवान शहीद हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुठभेड़ के बाद मौजूदा हालात की दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वहीं दिल्ली पहुंचने से पहले गुवाहाटी में संवाददाताओं से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, मैं जवानों के परिवारों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक पीजी सुंदरराज ने ताजा जानकारी देते हुए बताया कि 22 जवानों के शव बरामद हुए हैं, जो 31 जवान घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालात स्थिर बनी हुई है और एक कोबरा जवान लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन में किसी तरह की इंटेलिजेंस चूक नहीं हुई है और बीजापुर मुठभेड़ में 25 से 30 नक्सली मारे गए हैं। इस घटना में घायल जवानों से मिलने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनका हाल जाना और अपना इरादा स्पष्ट करते हुए कहा कि मुआदियों के खिलाफ अभियान में कोई कमी नहीं आएगी। वहीं अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सामना करते वक्त शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को जगदलपुर में श्रद्धांजलि अर्पित की। देश आपके शौर्य और बलिदान को कभी भुला नहीं पाएगा। पूरा देश शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है। अशांति के विरुद्ध इस लड़ाई को हम अंतिम रूप देने में संकल्पित हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं भारत सरकार की ओर से, देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम दो मकाम और आगे बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना, दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं
ये जो घटना हुई है इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भुला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। फिर से एक बार मैं शहीद हुए हुए जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनका सर्वोच्च बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके लिए ब्रेकिंग न्यूज राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए